Hi कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल एंड स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं यार हम कंटिन्यूअस आपके लिए काम कर रहे और कंटिन्यूअस मेहनत करके वीडियोज बना रहे हैं दोस्तों और एक और चीज बता दू जो लोग पुराने हैं जिनको हमारे चैनल के बारे में सब कुछ पता है तो उनको पता होगा लेकिन कुछ नए लोग जो हाल ही में ज्वाइन हुए हमारे चैनल पे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि यार आप लोग का का जो स्टैंडर्ड है ना उसका पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है मतलब ये जो आप देख रहे हो ना अभी जो नए नए लेक्चर जो देख रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये दूसरा बैच है यानी कि दूसरी बार हम लोग पढ़ा रहे हैं वैसे एक बार ऑलरेडी पढ़ा के हमने पूरा पूरा साइंस पूरा पूरा मैथ्स पूरा हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज आप लोग का इंग्लिश हिंदी और मराठी ग्रामर के कुछ पार्ट वो सभी चीज कंप्लीट करके रखें वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर सर्च करना है प्लेलिस्ट में जाना है ढूंढना है आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे और जो हमारा दूसरा बैच है उसके वीडियोस भी कंटिन्यूस आ रहे हैं तो आज एक न्यू चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं अगेन दूसरा बैच का जिसका नाम है दोस्तों प्रोबेबिलिटी टेंथ स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट वन यानी एलजबरा का प्रोबेबिलिटी चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर जो आप लोग अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो फुल मार्क्स इस चैप्टर के अंदर तो आज पहला लेक्चर है और इसी में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 भी सॉल्व करेंगे पूरा पूरा और कुछ बेसिक्स बताएंगे ठीक है लेकिन इसके पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर सकते हमारे दो दो आईडी है एक मेरा पर्सनल अकाउंट दूसरा हमारा जयर टूडोल का ऑफिशियली इंस्टाग्राम पेज है उसको भी जरूर से फॉलो कर लेना टेलीग्राम आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप जानते हो जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सारे और इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलेंगे तो टेग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाके ज्वाइन कर लेना और जे ट्यूटोरियल्स का ऐप भी आ चुका है जैसा कि आप जानते हैं तो फटाफट से प्ले स्टोर पे खाली जे आर टूटोरियल आप सर्च करोगे तो हमारा एप्लीकेशन ऐप app जो है आपको देखने मिल जाएगा तो ऐप को डाउनलोड करके रख लो कुछ ही दिनों के अंदर उस पर लगेंगे क्योंकि अभी बन रहे हैं ठीक है ना क्योंकि आप लोग का वन मिलियन का जो सरप्राइज था तो हमने उस दिन लॉन्च कर दिया लेकिन अभी कॉन्टेंट को बनाने में रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है ना तो आप लोग के लिए आ जाएगा लेकिन आपके लिए हर एक चीज तो यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल है तो कोई चिंता की तो बात ही नहीं है तो आप जितना हो सके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लो उस उसपे भी कॉन्टेंट्स आएंगे फ्री में भी आएंगे कुछ पेड आएंगे लेकिन ज्यादातर फ्री में आएंगे टेंशन बिल्कुल मत लेना ठीक है तो सब कुछ करके रख लेना वीडियो वीडियो की शुरुआत शुरुआत करेंगे, करेंगे लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से एनर्जेटिक ये वीडियो सेशन होने वाला है, है? है तो तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। ये होता क्या चैप्टर का नाम देखो, नाम देखो, इसका नाम देखो इसका अब हिंदी में चांसेस मतलब कितना आपको चांस है? जैसे यार ऐसा मुझे लगता है कोई भी बच्चा नहीं होगा जो बचपन में जिसने क्रिकेट नहीं खेला हो और आप लोग का तो बचपन ही चल रहा है टेंथ स्टैंडर्ड पंद्रह सोलह साल की उम्र है मतलब आप लोग का बचपना ही चल रहा है और आप लोग का तो छोड़ो यार मैं मेरा भी बचपना चल रहा है क्योंकि मैं अभी भी कभी मौका मिलता है तो मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं मैं बीच में टर्फ गया था टर्फ मतलब एक स्टेडियम जैसा होता है छोटा सा जिसमें नेट्स लगे होते हैं और आप लोग को जितना शॉर्ट मार मारो क्योंकि बॉल जाएगा नहीं क्योंकि नेट्स लगे हुए तो मैं वहां पर खेलने गया था मैंने उसका एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है आपने देखा जरूर से होगा ठीक है तो जब हम मैच खेलते हैं क्रिकेट खेलने की शुरुआत करते हैं तो एक सिक्का को उछाला जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉइन बोलते हैं और जिसको नॉर्मल तौर पे हम लोग हमारे मैच के लैंग्वेज में टॉस बोलते हैं हमारे क्रिकेट के लैंग्वेज में इसको टॉस बोलते हैं टॉस उड़ा तो हम लोग बचपन में तो कॉइन नहीं होता तो हम लोग कुछ भी उड़ाते थे वो चिप्पी होता था एक साइड ब्लैक एक साइड व्हाइट ठीक है कुछ ऐसा कुछ भी होते हैं ना वो आ, पान मसाला वगैरह कुछ भी होते हैं उसके पैकेट में एक साइड हिंदी लिखा होता है दूसरे साइड इंग्लिश लिखा होता है तो वो पत वो पैकेट को भी ऐसा उड़ाते थे तो यार हमने किया है क्या आप लोग ने किया है कि नहीं जरूर से बताना हम लोग ने तो बहुत किया है वैसा ठीक है कॉइन अगर नहीं होता था तो लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की तो इस पर चलो वापस से आते हैं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस जैसे कि मेरे पास एक कॉइन है समझ लो मेरे पास ये एक रुपये का सिक्का ही आप जो देख पा रहे होंगे अगर मैं इसको क्या करता हूं कॉइन को फ्लिप करता हूं यानी उछालता हूं तो कॉइन को उछालने पे मेरे पास दो चीज के चांसेस है आने के अब या तो आएगा वो ये वाला हिस्सा जिस पे वन लिखा हुआ है या तो आएगा ये वाला हिस्सा जिस पे ऐसा ये हमारा जो सत्य में और ये जो हमारा नेशनल एम्बलेम है ठीक है ना शेर तीन शेर दिख रहे हमें वैसे चार होते पीछे की तरफ दिखता नहीं है तो तीन शेर जो दिख रहे वो आपको दिखाई दे रहा है ठीक है तो ये जो साइड होता है हमेशा याद रखना इसको हेड बोलते हैं हेड्स कहा जाता है और ये जो होता है जिसको हम लोग टेल कहते हैं टेल ठीक है हेड्स और टेल ठीक है तो जब भी हम लोग सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है ठीक है यही एक चांस होता है आने का हेड्स और टेल आने का तो हमारा जो सिक्का उछालने का जो चांसेस है जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गया दो यानी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा मतलब दो ही चांसेस है मतलब दो ही चीज हो सकता है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा लेकिन अगर वही मैं बात करूं डाइस की इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाइस डाइस मतलब क्या होता है गोटी ठीक है ना गोटी खेलते हैं लूडो गोटी ठीक है तो लूडो में जब गोटी खेलते हैं एक सिंगल डाइस अगर मैं ले रहा हूं तो इसमें मेरे पास चांसेस क्या है या तो एक नंबर आ जाएगा या तो दो नंबर या तो तीन नंबर या तो चार या तो पांच या तो छह इसमें से कोई एक ही आएगा क्योंकि आपके पास एक ही गोटी है तो आपने क्या किया डाला गोटी को तो एक आ गया पहली बार में वापस से डाला तो हो सकता है चार आ गया वापस डाला छह आ गया ज्यादातर हम लोग लूडो में एक्सपेक्ट करते हैं छह आना चाहिए मेरा गोटी बाहर आना चाहिए वैसा तो यार वो होता है आपका चांसेस एंड इट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी यानी कि इस डाइस का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया टोटल कितने है यहाँ पे छह चांस है तो छह में से कितने आने का चांस है सिर्फ एक आने का चांस है यानी वन बाय सिक्स का चांस है आपका समझ में आ रहा है यानी कि आपका इस चीज का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया वन बाय सिक्स मतलब कोई भी चीज कितने में से आ सकता है उसको बोलते हैं प्रोबाइबिलिटी जैसे कि आपके पूरे क्लास में साठ बच्चे हैं मान लो पूरे क्लास में साठ बच्चे हैं मान लो और आपका फर्स्ट आने का मतलब ये पूरे स्टूडेंट बच्चे में से कितने लोग का का फर्स्ट आने चांसेस है किसी एक बच्चे को ही फर्स्ट आएगा ना किसी एक बच्चे को ही फर्स्ट आएगा हो सकता है कोई दो बच्चे का एकदम सेम टू सेम सेंट मार्क्स आ जाए तो वन और वन क्लैश हो जाएंगे लेकिन एक ही बच्चे का चांसेस होगा साठ में से एक बच्चे का लाना दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ठीक है तो यही सब चीजें होती है कि कोई भी चीज जैसे खासकर हम लोग प्रोबेबिलिटी जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग ज्यादातर चीज कॉइन की बात करते हैं डाइस की बात करते हैं एंड ऐसे कार्ड्स की बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स होता है ऐसे ये सब चीजों की बात करते हैं कि क्या तुम्हारा चांसेस है आने का ज नथिंग बट द प्रोबाबिलिटी तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी सिंपल तरीके से कि कितना उसका चांस है वैसे इसके कई सारे अलग अलग लोग ने डेफिनेशन बनाया है आपके बुक में भी आपको मिल जाएगा तो हम यहाँ पे कोई डेफिनेशन रट्टा मरवाने के लिए आए नहीं है हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाने आए तो यार डेफिनेशन तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे या आप जानते होंगे लेकिन मेन कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था कि प्रोबेबिलिटी का असली मीनिंग क्या होता है कि कितने में से कितना चीज आने का चांसेस है दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी क्या चांसेस है आने का तो ये होता है सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया अब यहाँ पे देखो अगला जो टॉपिक पे जाएंगे वो है आउटकम यानी कि कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी होते हैं उसके आउटकम क्या आ सकते हैं यानी रिजल्ट क्या आ सकता है तो हेड तो तो को हम लोग लिखते हैं एच लेटर से कैपिटल एच से लेटर से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में याद रखना ज्यादातर कैपिटल लेटर सिंबल के फॉर्म में यूज होता है तो या तो वो हेड आएगा या तो वो आ सकता है टेल जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे तो देर आर ओनली कितने चांसेस देर आर ओनली टू चांसेस यानी कि इस चीज का प्रोबेबिलिटी आपका टू है यानी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा समझ में आ गया वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद का जो लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 की जब बात करेंगे उसमें हम लोग सैंपल स्पेस क्या होता है वो सीखेंगे ठीक है प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे ये सभी चीज मजेदार होगा लेकिन ये चैप्टर को आपको लेक्चर जो भी आएंगे तीन से चार लेक्चर लगेंगे क्योंकि मैं आराम से कराऊंगा मैं चाहता तो ये चैप्टर सिर्फ एक लाइव सेशन लेके पूरा फोर्टी टू वन आवर के बीच में कंप्लीट कर देता लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे आराम से पढ़ो क्योंकि यार देखो आपको कोई घाई नहीं है आप अगर ये बीस मिनट का लेक्चर अगर मान लो बनता है आज का जिसमें आप फाइव सीख जाओगे ठीक है लेकिन ये 20 मिनट आपने एक चीज सीखा तो समझ लो आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स है तो हर एक के 15 15 20 बीस मिनट भी आप पढ़ोगे तो भी आप कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं आधा घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तीन से चार सब्जेक्ट डेली पढ़ोगे ना तो आपका कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बढ़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए और इस तरीके से लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट एक ही दिन चार घंटा पांच घंटा बैठ के पढ़ डालो यार दिमाग एकदम ये हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा तरीका यही है स्टार्टिंग से कि हम धीरे धीरे थोड़े मीडियम लेवल के लेक्चर्स लाते हैं बहुत छोटे मतलब पांच आठ मिनट के भी लाते हैं। लाते हैं तो पंद्रह बीस पच्चीस तीस आधे घंटे के रेंज में हम लोग वीडियोस लाते हैं ताकि बच्चा बोर भी ना हो और अच्छे से वीडियोस देख के टॉपिक का और एक, एक प्रैक्टिस सेट जो है सीख के चला जाए ठीक है यही हमारी खासियत है ठीक है और शायद इसीलिए यही प्यार के कारण यही सपोर्ट के कारण आज हम यहाँ पे वन मिलियन पे पहुंच चुके हैं और जो सभी चीज मुमकिन हो पाया वो आपके वैसे आया है तो थैंक यू सो मच वंस अगेन ठीक है बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहे क्योंकि अब ये मंजिल रुकने नहीं वाली अब ये मंजिल और बढ़ती जाएगी वन का टू टू का थ्री करना है दोस्तों और ये आपके वैसे पॉसिबल हो पाएगा आगे जाके भी ठीक है चलो तो ये चीज हो गया अब हम बात करेंगे डाइस डाइस की जब भी थ्रो किया जाता है तो चांसेस क्या आएगा या तो वन आएगा या तो टू आएगा या तो थ्री आएगा मतलब ये और है मतलब ऐसा नहीं है कि सब आ जाएंगे ठीक है मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों या तो आपको क्या देखने मिलेगा या तो आपको वन देखने मिलेगा या तो आपको टू देखने मिलेगा या तो थ्री या तो फोर या तो फाइव या तो सिक्स मतलब एक साथ सब देखने नहीं मिलेंगे एक ही डाइस है ना एक ही गोटी है तो या तो वन आएगा या तो टू आएगा या तो सिक्स मतलब आर चांसेस सिक्स िटी इज वन बाय सिक्स समझ में आ गया तो इस तरीके से होता है अब समझ लो, की अगर मैं बात करू जैसे कुछ लोग पत्ते खेल पत्ते खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं मैं भी खेलता हूं पत्ते लेकिन वो मजे के लिए मतलब ऐसा वो पैसे वाला नहीं खेलता नॉर्मली कभी, कभी कभार हम लोग बोर हो गए हमारे घर के मेंबर्स, मेंबर्स या फिर कभी दोस्त लोग बैठ गए तो हम लोग वो कुछ कार्ड से हम लोग गेम्स खेल सकते हैं देर सो मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स जो हम लोग कार्ड खेल सकते हैं लेकिन आपको पता है कार्ड कितने होते हैं या आपको पता होना चाहिए देर आर फिफ्टी टू कार्ड्स इन ए प्लेइंग कार्ड कोई भी एक पैकेट ले लो प्लेइंग कार्ड्स

Heart होता है और रेड डायमंड कार्ड होते हैं मतलब रेड कलर का हार्ट होता है और रेड कलर का डायमंड होता है इसको डायमंड बोलते हैं डायमंड शेप ठीक है तो थर्टीन ये थर्टीन ये हो गया ट्वेंटी सिक्स तो ये रेड वाले हो गए वैसे ही जो ट्वेंटी सिक्स ब्लैक कार्ड है इसमें भी दो हिस्से हैं एक तो आपका क्या होता है क्लब होता है जिसको हम लोग हिंदी uh, में इसको चिड़ी बोलते हैं शायद हम लोग जब खेलते थे तो इसको चिड़ी बोलते थे आप लोग क्या बोलते हैं और इसको हम लोग ईटा बोलते थे ठीक है थे, थे, ना ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम हमने दिए थे ये हमारा उल्टा पान बोलते थे इसको चिड़ी बोलते थे ठीक है तो ऐसे अलग अलग नाम होते तो याद रखना ये सब चीज तो चांसेस क्या है 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालने का चांसेस क्या है 1 बाई मतलब 52 कार्ड में मेरा कितने चांस है आने का तो बावन के बावन चांस है कुछ भी आ सकता है ठीक है ना वैसे ही, कार्ड कौन कौन से होते हैं देखो ये एक ये हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पेड बोलते हैं ये आपका रेड हार्ट होता है ये आपका क्लब होता है और ये आपका डायमंड होता है तो ये कुछ कार्ड्स होते हैं तो ये आपको जो भी नॉर्मल बेसिक्स माहिती थी यानी इंफॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई होगी अब इसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है बहुत साधारण सा सिंपल सा इसमें से क्वेश्चन कभी कभार पूछता है लेकिन इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को गेन करने के लिए तो इसको हम लोग कराएंगे तो चलिए जाते हैं सीधा सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर फाइव के ऊपर क्या पूछा है सवाल चलिए नजर डालते हैं देखो ध्यान से

अजंता होगा ना स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है ना ठीक है ना अजंता होगा ठीक है महाबलेश्वर है लोनार सरोवर है ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया अंबोली हो गया रायगढ़ हो गया माथेरान हो गया और आनंदवन हो गया ठीक है ना अब आप काउंट करो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसने आठ जगह का नाम लिया है तो यहां पे क्या बोल रहा है कि हियर एट साइट ऑफ महाराष्ट्र एट साइट्स ऑफ महाराष्ट्र तो क्वेश्चन क्या पूछा हाउ मेनी पॉसिबिलिटी मतलब आठ जगह उसको मालूम है वो आठ जगह क्या करने वाली विजिट वन ऑफ देम मतलब ये आठों में से वनिता कोई एक में जाना चाहती है तो क्या चांस है वो किसमें जाएगी किस में जाएगी कितने पॉसिबिलिटीज है तो आठों का आठ पॉसिबिलिटीज है मतलब वो आठों में से किसी में भी जा सकती है ना बाबा हम लोग को ऐसा तो बोला नहीं है कि यार इसी में जाने वाली हमको बोला कि ये आठ जगह उसको पता है ये आठों में से कोई एक जगह जाने वाली है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं देयर फोर देर आर देयर आर एट पॉसिबिलिटीज यानी कि पूरा का पूरा आठ साइड उसको पता है तो आठ पॉसिबिलिटीज है

डेज इन ए वीक एक वीक में सात दिन है तो उसमें से एक दिन को मुझे सिलेक्ट करना है तो देयर आर कितना हम लोग बोल सकते हैं देयर फॉर देयर आर सेवन पॉसिबिलिटीज सातों का सातों दिन में से कौन सा भी दिन में सिलेक्ट कर सकता हूं तो मेरा पॉसिबिलिटीज कितना है सात बार मतलब अगर मेरे पास सात दिन है और सात दिन में से कोई एक दिन मुझे प्लान करना है तो कितने पॉसिबिलिटी है मेरा सातों में से कौन सा भी कर सकता हूं मैं तो सात सात का पॉसिबिलिटी है मेरे लिए तो देर आर सेवन पॉसिबिलिटीज ये क्वेश्चन में कितने पॉसिबिलिटीज होंगे सेवन पॉसिबिलिटीज होंगे ठीक है समझ में आया देखो अगला क्वेश्चन सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ टू कार्ड फिफ्टी कार्ड है मेरे पास 52 कार्ड में से एक कार्ड को चूज करना है कितने पॉसिबिलिटीज होंगे यार ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि देयर आर अरे यार एक मिनट एक सेकेंड क्या लिखेंगे डायरेक्टली हम लोग कि देयर आर फिफ्टी टू पॉसिबिलिटीज सीधी सीधी बात है कि एक कार्ड जो है हम लोग को अगर फिफ्टी टू कार्ड में से सिलेक्ट करना है तो बावन के बावन पॉसिबिलिटीज तो हुए कोई भी कार्ड आ सकता है मेरे पास समझ लो फिफ्टी टू कार्ड फिफ्टी टू कार्ड का बंडल है उसमें से मैं आंख बंद करके एक कोई कार्ड निकाला तो कौन से कार्ड आने के चांसेस है कोई भी आ सकता है ना बावन में से कोई भी आ सकता है तो तेरा फिफ्टी टू पॉसिबिलिटीज खत्म है कि नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट का खेल है पूरा और कुछ नहीं नेक्स्ट एंड लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्या है वन नंबर फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी दस से बीस के बीच में एक नंबर को सिलेक्ट करना रैंडमली तो सबसे पहले हम लोग नंबर लिखेंगे नंबर फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी कितने नंबर हो सकते हैं टेन होगा इलेवन होगा ट्वेल्व होगा थर्टीन होगा फोर्टीन होगा फिफ्टीन होगा सिक्सटीन होगा सेवनटीन होगा एटीन होगा नाइनटीन होगा और ट्वेंटी होगा कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन मतलब टोटल ग्यारह नंबर है तो पॉसिबिलिटी कितना होगा बताओ कितना होगा बताओ कौन बताएगा यार इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या टोटल नंबर कितने हैं ग्यारह नंबर उसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है कितने पॉसिबिलिटी है ग्यारह पॉसिबिलिटी तो हम लोग बोल सकते हैं देयर आर इलेवन नंबर बिटवीन टेन टू ट्वेंटी तो देर फोर देयर आर

दिस वॉज अवर लेक्चर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर इतना ईजी था कि यार मैं क्या 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 बताऊ में चाहता था और बड़ा लेक्चर बना सकता था लेकिन और भी जो प्रैक्टिस थे उसको भी लेके लेकिन हम लोग बारी बारी से करेंगे कोई घाई नहीं है वक्त के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करने का जो दावा मैंने किया वो करके रहूंगा मतलब एक बार तो ऑलरेडी कर दिया है दूसरी बार भी हो जाएगा लगभग दिसंबर एंडिंग जनवरी स्टार्टिंग में हो जाएगा जनवरी मिडिल से आप लोगों को लाइव रिविजन जो मैंने प्रॉमिस किया वो आपको मिलने लगेंगे तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं बस आप अपने सिलेबस पढ़ के कंप्लीट करने में फोकस करो जो कॉन्सेप्ट जो हमने वीडियोस बना के बताए हैं वो पढ़ के वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट करने की क्लियर करने की कोशिश करो बस टारगेट वही रखो स्ट्राटेजी वीडियो स्टैंडर्ड का ऑलरेडी बनाया है उसको देख के फॉलो कर लो सब चीज हो जाएगा पॉसिबल ठीक है तो चलो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है यानी कि जो प्रैक्टिस है पाइपन में कम्प्लीट होता है अब ऐसे ही और वीडियो आएंगे कंटिन्यूसली और तीन से चार लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बने रहना हमारे साथ प्यार दिखाते रहना इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है वीडियो कैसा लगा जरूर से कॉमेंट करना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना और अगर फर्स्ट टाइम आयो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है दोस्तों तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय